इस धरती के जीवों पर काम करने वाली शक्तियां हर अक्षांश या लैटिट्यूड पर अलग अलग होती हैं। उस विशेष आकार और रूप के कारण जैसा शरीर ढल जाता है, उसमें अलग तरह की योग्यताएं आ सकती हैं। यही वो कारण है कि धरती के संपर्क में रहना हमारी सेहत और खुशहाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे पता है मेडिकल समाज इसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन मैं इस पर 100% कायम हूं। सदगुरु, जिस जगह हम पैदा हुए हैं, जहां बढ़ते हैं, क्या उस जगह का हम पर कुछ असर पड़ता है? क्या इसलिए कहा जाता है कि हमें वहीं का खाना खाना चाहिए? सवाल है कि अगर हम धरती के एक हिस्से में हैं, तो क्या आकाशीय ज्यामिति हम पर एक खास तरीके से काम करती है? विशाल मानव सिस्टम के काम करने का तरीका या गहन मानव सिस्टम, ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, जगह का इस पर बिल्कुल असर पड़ता है। जगह उन्हें अलग बना देती है। जैसा कि आपको पता है, ऐसा हर जीव के साथ होता है। वो पेड़ और पशु पक्षी जो दक्षिण भारत में बड़े आराम से रहते हैं, वो न्यूयॉर्क स्टेट के आसपास या दुनिया के दूसरे हिस्सों में मुरझा जाएंगे। और इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जीवन यहां अलग तरीके से विकसित हुआ है। यह सिर्फ मौसम की बात नहीं है, यह सिर्फ मौसम और धूप या ठंड की मात्रा की बात नहीं है। हाँ, उन चीजों का भी काफी असर पड़ता है, पर जीव कैसे विकसित हुए हैं, जैसे भी वो हुए हैं, वो तरीका उस जगह से जुड़ा हुआ है। इट इज अ फैक्ट, ये एक सच्चाई है। मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी से इसे मान्यता मिल चुकी है कि जब लोगों की एक खास तरह की नस्ल धरती के एक हिस्से से एक बिल्कुल अलग हिस्से पर गई, तो उनके शरीर की कई नस्लीय विशेषताएं धीरे धीरे बदल गईं, और समय के साथ एक स्पष्ट बदलाव आ गया था। इतना बदलाव कि कुछ समय बाद पहचानना मुश्किल था कि वो पहले कैसे थे। एक खास समय के बाद, उदाहरण के लिए, भारत में लंबे समय से कई नस्लों का मिलन होता रहा है, पर आप देखेंगे कि इसके पृथ्वी पर इस जगह पर होने की वजह से, हालांकि तापमान, मौसम, इन सब चीजों का असर होता है, पर इसके अलावा उनके इस तरह के भोजन खाने से धरती पर वो कौन सी जगह पर थे, इन चीजों से उनका शारीरिक रंग रूप कैसे बदला है और वो कैसे पूरी तरह से बदल गए हैं, ये काफी अविश्वसनीय है। जो मध्य एशियाई लोग, जो आर्यों के रूप में लगभग 8000 साल पहले भारत आए थे, जरा देखिए जॉर्जिया के लोग कैसे दिखते हैं। मैं उस जॉर्जिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमेरिकी जॉर्जिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जॉर्जिया की बात कर रहा हूं, ठीक है? मध्य एशिया में वहां के लोग कैसे दिखते हैं, और जो लोग वहां से यहां आ चुके हैं, जो 6 से 8 हजार साल से ज्यादा समय से भारत में रह रहे हैं, आज वो कैसे दिखते हैं? आपको आश्चर्य होगा कि वो कितने बदल गए हैं। उनकी हर चीज बदल गई है। तो मौसम से, भोजन से, लैटिट्यूड से फर्क पड़ता है, क्योंकि धरती के घूमने की वजह से पैदा होने वाले सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल बलों का धरती की हर वस्तु पर अलग अलग असर पड़ता है। इस धरती के जीवों पर काम करने वाली शक्तियां हर अक्षांश या लैटिट्यूड पर अलग अलग तरह की होती हैं। इस आधार पर
उनके प्रभाव से शरीर कैसा आकार लेता है और उसकी वजह से उस आकार और रूप के कारण जैसा ये ढल जाता है उसमें अलग अलग तरह की योग्यताएं आ सकती हैं। ये एक दुर्भाग्य है कि कुछ लोग हर फर्क के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव करने लगते हैं, वरना अगर आप उन फर्कों को ध्यान से समझें कि धरती ने कितने अलग अलग तरह के जीव पैदा किए हैं, जैसे कि इसने किए हैं, यहां तक कि धरती ने अलग अलग तरह के इंसान पैदा किए हैं जो कि इसने किए हैं, तो ये अद्भुत और अविश्वसनीय है। और इस बारे में जानने के लिए कितना कुछ है। और भारत के अक्षांश और देशांतर की वजह से लोगों का ध्यान काफी हद तक बाहर की बजाय भीतर की ओर जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे ऐसा नहीं कर सकते, हर कोई ये कर सकता है। एक सांस्कृतिक विकास भी होता है जो समय के साथ होता है, इसके कई पहलू हैं। पर यह जरूर है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होने से शरीर की योग्यता अलग होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो अगले 2 सालों में आपकी हर चीज बदल जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक कि आप बदलने को तैयार न हो, आप इसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं, पर आपके अपने जीवन काल में ही आपके रोकने के बावजूद बदलाव होंगे, सिर्फ इसलिए कि भौगोलिक रूप से अब आप बिल्कुल अलग जगह पर हैं। इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना सारा सांस्कृतिक प्रभाव और दूसरे इतने सामाजिक प्रभाव इतने बड़े हैं और ये इतने मिले जुले हैं कि आप वाकई उन चीजों को इससे अलग नहीं कर सकते। पर मान लीजिए कि हमने दुनिया पर लोगों के देशांतर शुरू करने से पहले ध्यान दिया होता, इससे पहले कि वो यात्राएं की गई थी जैसे कि हम आज कर रहे हैं, तो आप साफ साफ ये अंतर देख पाते कि पृथ्वी ने अलग अलग हिस्सों में कैसे अलग अलग तरह के जीव पैदा किए थे। ऐसा हर जीव के साथ हुआ है और बेशक इंसान के साथ भी। शायद आपने भोजन के बारे में भी एक सवाल पूछा था, मुझे आपको यह बताना चाहिए। योग में भोजन के बारे में एक निर्देश है, एक इंसान एक दिन में जितनी दूरी तय कर सकता है, एक दिन में आप जितनी दूर चल सकते हैं, आपको उसी दूरी की रेडियस में पैदा होने वाला खाना खाना चाहिए। You should not eat food which is grown far away from you. आपको खुद से बहुत दूर उगा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो शरीर आपने धारण किया है वो मूल रूप से इस धरती का ही एक टुकड़ा है। अगर ये इस धरती का एक टुकड़ा है और अगर आप उसी जगह का भोजन खा रहे हैं और आप वहीं रह रहे हैं, तो आपका शरीर और उस जगह के बीच लगातार एक संवाद होता रहता है। ये मत सोचिएगा कि ऐसा सिर्फ एक तालमेल आ जाने के बाद ही होता है। Even today, as you are sitting here, if you sit, आज भी जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप इस जगह पर बैठे हैं, तो आपका शरीर और ये धरती, पृथ्वी का ये हिस्सा जिस पर आप बैठे हैं, इसमें एक निरंतर गहरा संवाद हो रहा है। यही वो वजह है कि पृथ्वी के संपर्क में रहना हमारे स्वास्थ्य और खुशहाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग केंद्र में अगर कोई स्वस्थ नहीं है तो हम हमेशा लोगों को बगीचे में काम करने के लिए कहते हैं, ताकि वो धरती के संपर्क में रहें। पृथ्वी के संपर्क में रहने के इस तरीके को आज आधुनिक स्पा ने मिट्टी के स्नान या मडबाथ बना दिया है। खैर, आपको किसी ना किसी तरह जुड़े रहना चाहिए, चाहे आप जैसे भी जुड़े, या तो मिट्टी से स्नान करके या जमीन पर काम करके किसी भी तरह, या फर्श पर सोकर, चाहे आप जो भी कर सकें, मूल रूप से आप संपर्क में रहने की कोशिश कर रहे हैं। और भोजन एक लेन देन है, जो पृथ्वी में था आप उसे शरीर में ले जाते हैं। ये सबसे अच्छा काम तब करेगा जब ये उस टुकड़े या पृथ्वी के उस क्षेत्र से आए जहां आप रहते हैं। तो आमतौर पर यह बताया जाता है कि आप दिन में जितना चल सकते हैं उतनी दूरी की रेडियस के क्षेत्र से आपको खाना खाना चाहिए। यानी अगर आप अपने खेत में खाना उगाते हैं और खाते हैं, तो आप देखेंगे एक महीने के समय में, मान लीजिए
live on a patch of land, grow your own food and eat. आप जमीन के एक टुकड़े पर रहते हैं, अपना खुद का खाना उगाकर खाते हैं, तो एक महीने के भीतर आप अपने शरीर की सेहत में एक जबरदस्त बदलाव देखेंगे। मैं कहूंगा अगर ये किया जाए, ये एक सरल काम किया जाए, तो मुझे लगता है कि इस धरती पर कैंसर की घटनाओं को 50% से 60% तक कम किया जा सकता है। मैं इस पर कायम रहूंगा। मुझे पता है मेडिकल समाज इसका मजाक उड़ाएगा, पर मैं इस पर 100% कायम हूं। कम से कम 50% कैंसर की घटनाओं को कम किया जा सकता है। If we are in touch with the earth that we are living upon, अगर हम उस धरती के संपर्क में हैं जहां हम रहते हैं और वहीं का भोजन खाते हैं, न कि कहीं और का। अभी अगर मैं इस होटल में नाश्ते के लिए जाऊं, तो शायद फल न्यूजीलैंड से आते हों। उन्होंने मुझे बताया मछली वियतनाम से आती है, और मुझे नहीं मालूम कि और क्या कहां से आता है। तो सिर्फ इसलिए कि हम चीजों को इधर उधर ले जा पा रहे हैं, और ऐसे सुपर मार्केट्स हैं जो आपको दुनिया भर की चीजें बेच सकते हैं। हम ऐसा सुख के लिए ज्यादा कर रहे हैं, न कि खुशहाली के लिए।